संयुक्त राष्ट्र में भारत के समर्थन से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गदगद है। नेतन्याहू ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का शुक्रिया अदा किया है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इजराइल के पक्ष में मतदान किया था। इजराइल ने फिलिस्तीन के गैर सरकारी संगठन शहीद को सलाहकार का दर्जा दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। इसी के पक्ष में भारत ने इजराइल के लिए वोट किया था। दरअसल भारत ने फिलिस्तीन गैर सरकारी संगठन शहीद को पर्यवेक्षक का दर्जा देने से इनकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के पक्ष में मतदान किया। इजराइल का दावा है कि शहीद संगठन ने आतंकवादी संगठन हमास के साथ अपने संबंधों का खुलासा नहीं किया है। नेतन्याहू ने 6 जून के वोट के करीब एक हफ्ते बाद बुधवार को एक ट्वीट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को समर्थन के लिए धन्यवाद। यूएन में इजराइल के साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत ने इजराइल को लेकर अपनी विदेश नीति में बड़ा परिवर्तन किया है। भारत ने अब तक के रुख से हटते हुए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद में इजराइल के एक प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया है। इस प्रस्ताव के समर्थन में 28 देशों ने वोटिंग की थी, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान भी शामिल है। वही विरोध में चीन, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी सहित 14 देशों ने वोट डाला था। बता दें कि भारत की वोट के बदौलत फिलिस्तीन का प्रस्ताव गिर गया, जिसे चीन और पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लगा है। बता दें कि नेतन्याहू से पहले भारत में इजरायली दूतावास के उप प्रमुख माया कदोस ने ट्वीट में नई दिल्ली को इजराइल का साथ देने के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने कहा है कि इस संगठन के हिजबुल्लाह और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के साथ संबंध है। इन्हें 1997 में आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।